पिछले क्लास में लॉग का जितना भी इम्पोर्टेंट रूल्स वगैरह था वो सब समझा दिया गया था। आज सिर्फ लॉग टेबल बताने के लिए हम लोग, मतलब कैसे देखा जाता है लॉग टेबल, उस पर कैसे हम लोग काम करते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए क्वेश्चन देखिए, जैसे लॉग 12.45, मान लीजिए किसी कैलकुलेशन में आपको ये चीज आया और इसका मान आपको चाहिए, तो आप इसका मान कैसे देखेंगे, कैसे निकलेगा ये वैल्यू, इसको समझिए। इसका दो तीन स्टेप में ये काम खत्म हो जाता है, दो तीन स्टेप का चीज है ये, तो ध्यान से देखिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। लॉग में डिसिमल से पहले हमें ये देखना होता है कि टोटल डिजिट्स कितने हैं, कितना डिजिट है यहाँ पर, दो, एक है वन और एक है टू। कौन सी संख्या है उससे कोई बहस नहीं है, टोटल डिजिट कितना है डिसिमल से पहले, दो डिजिट है, जितना डिजिट है उसमें एक घटा दीजिए, यहाँ कितना बचेगा, वन, जो बचा उसको लिख दीजिए और अपने मन से डिसिमल डाल दीजिए। ये इसका पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में किसी भी संख्या का यदि आप लॉग देख रहे हैं तो डिसिमल से पहले जितनी संख्या है, और कोई ऐसा संख्या नहीं जिसमें डिसिमल नहीं है, दो सिर्फ लिखा हुआ है तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2.00, तो आप उस हिसाब से डिसिमल अरेंज कर लेंगे, है दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो प्रॉपर जगह पर प्लेस कर देंगे। अब जैसे 4444 है दिया हुआ, तो यहाँ पर भी डिसिमल हम प्लेस कर सकते हैं, यहाँ दे देते डिसिमल, क्या है डिसिमल वहाँ दीजिए जहाँ पर उसके वैल्यू पर किसी प्रकार का कोई फर्क ना पड़े। तो पहला काम हमारा यह है कि डिसिमल से पहले टोटल डिजिट्स गिनने होते हैं कि वो कितना है, उसमें एक घटा दीजिए, जो आया उसको लिख दीजिए, डिसिमल डाल दीजिए, पहला काम हो गया। दूसरा काम सुनिए, जो भी संख्या अब है भूल जाइए, यहाँ डिसिमल है, हम तो मिटा दिए, आप मिटा नहीं सकते हैं, मिटाना है भी नहीं, भूल जाइए बस कि वहाँ पर अब डिसिमल था, चूँकि डिसिमल का काम खत्म हो चुका है। अब जो संख्या है उसको आपको तीन सेट में तोड़ना है, तीन सेट में तोड़ना है कुछ ऐसे। पहला सेट में दो डिजिट्स होगा, दूसरा में एक और तीसरा में एक। अब आप कहेंगे सर पचवा डिजिट होगा तो वो कहाँ जाएगा, उसको छोड़ देना, उसका कोई मतलब नहीं है, काहे नहीं है, उसका बात हम बाद में कर लेंगे। तो ये हो गया 12 और ये 4 और ये 5। लॉग टेबल का भी तीन पार्ट होता है, लॉग टेबल का या एंटी लॉग टेबल का तीन पार्ट होता है। आपको यदि लॉग टेबल मिला है तो सभी लोग लॉग टेबल निकाल लीजिए, क्योंकि उसकी अब जरूरत है, और जो बातें हम समझा रहे हैं बोर्ड पर कुछ बनाकर उसको आप समझिए। देखिए लॉग टेबल का ये जो सबसे लेफ्ट वाला पार्ट है जहां पर कॉर्नर में एन लिखा होगा, देखिए है लिखा होगा, ये स्टार्ट होता है 10 से, 10, 11, 12, 13, 14, ये चला जाता है, अंत कहां हो रहा है देखिए तो 99 पर है, 99 वो टेबल आगे बढ़ा होगा, 99 पर जाके समाप्त हुआ है, वो टेबल एक पेज से दूसरे पेज में शिफ्ट हुआ है। अब देखिए ये मीड वाला पार्ट है ये, और इसमें ये 0, 1 से लेकर चला गया होगा कहाँ तक, 9 तक, और ये लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम मीन डिफरेंस बोलते हैं, और ये स्टार्ट हुआ है 1, 2 से लेकर ये भी चला गया है कहाँ तक, 9 तक। आप जो ये तीन सेट तोड़े हैं उसमें यही है एन, और ये वाला है मीड पार्ट, और यही है मीन डिफरेंस। अब इस पर हमको काम कैसे करना होता है, यदि आप लॉग देख रहे हैं तो आप नंबर में 12 खोजिए कहाँ आपको मिलता है, देखिए कहीं है 12। अब देखो 12 में आप राइट शिफ्ट कीजिए और देखिए मीड पार्ट में 4 कहाँ है, ऊपर 1, 2, 3, 4 कहीं होगा ना, 4 के नीचे आइए, 12 के राइट जाइए, देखिए यहाँ पर एक चार संख्या का, एक चार डिजिट का एक संख्या मिलेगा आपको, वो संख्या क्या है बताइए, 0, 9, 3, 4। अब देखिए अब मीन डिफरेंस वाले पार्ट में जाइए, 1, 2, 3, 1, 2, 9 में कहीं पर 5 होगा ना, 5 से नीचे आइए और इसमें और आगे बढ़िए, यहाँ पर 2, 3, 3 नहीं, जनरली एक या दो संख्या का कोई है, देखिए तो डिजिट का कोई संख्या होगा, कितना है 17, जो संख्या आया उसको जोड़ दीजिए नीचे लिख के, 1, 5, 9, 0 बस हो गया, यानी लॉग 12.45 का वैल्यू होगा 1.0951, बस इतना ही तो करना है,
समझे क्या क्या हम कर दिए सो? एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अगला काम आपको खुद करना है। जो भी, देखिए इसका पहला स्टेप क्या है, जो भी आपको संख्या दिया गया उसमें डिसिमल से पहले कितना डिजिट है इसको गिन लीजिए, उसमें एक घटा दीजिए, जो भी आया उसको लिखकर डिसिमल डाल दीजिए। ये पहला स्टेप है। एक एक डिजिट नहीं, एक घटाना है, संख्या घटानी है, डिजिट नहीं। अरे भाई, टू डिजिट में वन डिजिट नहीं घटाना है, वन संख्या को घटाना है, वन नंबर को घटाना है। मैं ये कह रहा हूं, वन डिजिट तो टू भी ना हो सकता है, एट भी तो वन ही डिजिट है। आप क्या इसकी बात आप कर रहे थे क्या? कोई बात नहीं, आप फिर से समझ लीजिए ना। इसमें देखो, इसमें कन्फ्यूजन होता है, आप कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, हम उसी लिए हैं यहाँ। डिसिमल से पहले जितना डिजिट है उस डिजिट में एक घटाना है। हम डिसिमल से पहले नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, डिसिमल से पहले यहाँ पर 12 है, ये एक नंबर है, और डिसिमल से पहले यह 12 जो है यह कितने डिजिट का नंबर है? टू डिजिट का नंबर है, डिजिट में घटाना है एक, यानी 12 में एक नहीं घटाएंगे, दो में एक घटाएंगे। समझे क्या है? तो डिसिमल से पहले दो संख्या, दो डिजिट था, दो अंक था, एक घटाए बचा एक, डिसिमल अपने मन से डाले, फिर जो भी नंबर है उसमें पहला दो डिजिट का एक नंबर बनाएंगे, फिर एक डिजिट का, फिर एक डिजिट का। ये होगा हमारा नंबर, ये होगा मीड पार्ट ऑफ लॉग, और ये होगा मीन डिफरेंस। नंबर का मीन जो मीड पार्ट है उसको देखिए, चार संख्या का एक समूह मिलेगा उसको लिखिए, और फिर उसी नंबर का मीन डिफरेंस देखिए, जो वैल्यू है उसको नीचे में रख के जोड़ दीजिए, जो मान आएगा वही इसका वैल्यू है। अब देखिए, इसमें एक पर आप उतना फ्रेश नहीं हो पाएंगे, अब हम फिर से काम करते हैं। आप देखिए इसको, हम अलग अलग कई एग्जाम्पल करेंगे, अभी तो हम उतारने इसलिए नहीं दिए क्योंकि घिजपिट हो गया था ये, हम एक फ्रेश एग्जाम्पल बनाते हैं। और जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल होगा, दूसरा होगा। काहे कि जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि प्रूफ पर यही संख्या रहे, वहां तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट डाटा कंसिडर होगा यहां पर। चलिए एक बार फिर से देखिए, जैसे मान लो हमको देखना है log 32.52 का वैल्यू, डिसिमल से पहले कितना डिजिट है? दो डिजिट है, दो में से एक घटा दीजिए, एक जो बचा वो लिख दीजिए, 32 का 5 देखिए log में, 32 का 5 देखिए। log टेबल है सबके पास कि नहीं? तुम्हारे पास log टेबल नहीं है? देखिए उसको, अरे खोजिए नहीं तो मिलेगा, मिलेगा नहीं। 5 1 1 5 1 9 एक लॉग टेबल हमको दे दीजिए। तो फाइव वन वन नाइन, क्या ये चार संख्या का, ये चार को जो डिजिट का एक संख्या है ये सबको मिला क्या? यदि इसमें तुम भूतला जाओगे ना, कभी लॉग सीख नहीं पाओगे। और हजारों डाटा में किसी एक को कंसीडर करना होता है तो सीखेंगे तब ना प्रॉपर, कि कैसे हमको उसको चुनना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, याद नहीं रखना है, आप याद कर भी नहीं सकते हैं। सुन लीजिए इधर, हाँ पागल हो जाएंगे आप, फिर सुनिए, हम बताते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, कैसे आपको, आपके दिमाग में बहुत तरह का क्वेश्चन आ रहा होगा। केमिस्ट्री का जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो उसमें लॉग का बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा, हर इक्वेशन में लॉग है, तो आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। आपके बुक में पीछे में लॉग टेबल दिया हुआ है, लेकिन कैसे इस पर वर्क करना है यह भी बताया गया है वहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि ढंग से आप ना समझें। इस मेथड से आप बहुत आसानी से समझ लेंगे, वैसे भी वही सिखाने के लिए तो हम हैं, बुक में तो सब चीज़ लिखा हुआ है। दूसरा बात, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर या तो आपको लॉग टेबल दे देगा, या फिर जिस प्रॉपर लॉग का ज़रूरत आपको पड़ेगा उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देगा। जैसे लॉग 32.52 की ज़रूरत यदि लगेगा कि क्वेश्चन में आगे पड़ेगा तो वो ब्रैकेट में वहीं पर हिंट में क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, कुछ ऐसा भी डाटा होता है लॉग का जो याद रखना होता है, जैसे लॉग 10 का वैल्यू कभी आपको नहीं देगा, लॉग 1 का वैल्यू कभी आपको नहीं देगा, ln e का वैल्यू कभी नहीं देगा, लॉग 100 का वैल्यू कभी नहीं देगा,
ये सब अपने से निकालना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, उसके लिए हम हैं, रिपीट तो फाड़ देंगे, नहीं याद होगा तो। इधर देखिए 32 का 5 देख लीजिए, अब 32 का 2 देखिए, तो मेन डिफरेंस में 3 जोड़ दीजिए, 2 2 1 5 1 हो गया, बन गया। क्या भारी लग गया? अभी उतारना नहीं, अभी सिर्फ आप देखते रहिए और इत्मीनान रखिए, पेशेंस रखिए, धर फटाइएगा छट पटाइएगा तो फेंकाइएगा सिस्टम से। इधर देखिए, अब जैसे हमको देखना है लॉग 2.5678 का वैल्यू, डिसिमल से पहले कितना डिजिट है? एक डिजिट है, एक में एक घटाइए 0। 25 का 6 7, अब इस 8 का कोई ज़्यादा देखिए, ऐसे भी 2.567 के बाद इस 8 को लिखें नहीं लिखें, वैल्यू पर बहुत ज़्यादा का असर पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए पचवां डिजिट पर आप जाइए ही मत। और वैसे भी आपका जो ये लॉग टेबल है, या आप ये जो लॉग टेबल है आपके NCERT से लिया गया लॉग टेबल है, आपको 4 डिजिट का ही लॉग टेबल पढ़ना है, वैसे लॉग टेबल 5 डिजिट का भी होता है। और जितना ज़्यादा डिजिट का लॉग टेबल रहेगा उतना परफेक्ट आंसर आएगा, लेकिन जितना ज़्यादा डिजिट का लॉग टेबल रहेगा उसका सॉल्यूशन उतना ही टफ होता है, और आंसर में हल्का फल्का का अंतर आता है। मान लीजिए यहाँ पर आया हमको 1.5122, हो सकता है वहाँ पर आ जाए 1.5123, 5 संख्या का है तो एक संख्या और बढ़ेगा, क्या फर्क पड़ जाता है? चौथा डिसिमल के बाद ही चौथा के बाद पचवा नंबर पर जाके एक आध गो संख्या नहीं लिखा रहे, कितना का अंतर है? उतना हम लोग माइंड नहीं कर सकते कैलकुलेशन के दौरान, जहां हार्ड हार्ड कैलकुलेशन चल रहा है। देखिए डिसिमल से पहले एक डिजिट था, एक में एक घटाए बचा 0। अब हम लोग देखेंगे 25 का 6 मतलब 25 का 6 लॉग टेबल में कितना है, डिसिमल के बाद 0 के बाद डिसिमल डालना है 4082। क्या सबको ये नंबर मिला? देख लीजिए सबको मिलना चाहिए ये नंबर, नहीं तो फंसेंगे आप आगे। और अभी हम प्यार से समझा रहे हैं, उस समय हम मौका नहीं देंगे आपको बोलने का, एक ही काम को बार बार नहीं किया जाएगा, 12th में उतना टाइम नहीं है। 25 का 7 देखिए मेन डिफरेंस 12 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0.4194, बन गया। क्या भारी लग गया? ये इसका पहला, सुन लीजिए ये इसका पहला लेवल है, हो सकता है आगे आपको परेशानी हो। अब आपके आप कहेंगे कि सर यहाँ पर लिख दीजिए 0.25678, पता चला डिसिमल से पहले कुछ है ही नहीं, किस में घटाएंगे, तो वो सब बात आएगी, आएगा धीरे धीरे लेवल पकड़ेंगे। क्या ये दो क्वेश्चन समझ गए आप? अब इस दो क्वेश्चन पर अगला काम सुनिए, अब हम सीख रहे हैं इसका एंटी लॉग, लॉग देखना तो समझ गए थोड़ा बहुत, अब एंटी लॉग देखिए, ये आपका अगला एग्जाम्पल है, लिखना नहीं है सब, सिर्फ सुनिए, ये हम मिटाएंगे नहीं, आप यकीन मानिए मैं नहीं मिटाऊंगा इसे, लेकिन आप सिर्फ देखिए तो सही। हम देख रहे हैं एंटी लॉग 1.5122, ध्यान दो, वैसे तो ये जो नंबर हम लिए हैं यहां से ले लिए हैं, लेकिन आप समझिए कि ये नंबर कुछ भी हो सकता है आपके अपनी मर्जी से, हमको यहाँ मन होगा तो 8 कर देंगे, 4 कर देंगे, 40 कर देंगे, कुछ हो ले सकते हैं, मतलब किसी भी वैल्यू का हम एंटी लॉग देख सकते हैं। हम बस कुछ बात और समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए इसी डाटा को यहाँ पर हम कॉपी कर लिए। अब एंटी लॉग कैसे देखा जाता है उसको देख लीजिए, ये एंटी लॉग देखना और आसान है। लॉग में डिसिमल से पहले वर्क हम लोग करते हैं और एंटी लॉग में डिसिमल के बाद, डिसिमल के बाद क्या है 5122, इसमें भी आपको सेम काम करना है, सेट बनाने के लिए 2 1 और 1 इस तरह का आपको ग्रुप बनाना होता है। डिसिमल के बाद 5122, 3 सेट बना ना, जी हाँ। अब देखिए, अब आप एंटी लॉग टेबल निकालिए, देखिए आपके लॉग में 2 तरह का टेबल है, लॉग टेबल और एक एंटी लॉग टेबल। क्या मिला एंटी लॉग टेबल? एंटी लॉग टेबल में भी एग्जैक्ट सेम बात है, नंबर है, मिड पार्ट है, मीन डिफरेंस है, लेकिन आप गौर कीजिए नंबर स्टार्ट हुआ है 0 0 से, फिर 0.01, 0.02 और ये आगे बढ़ता हुआ चला गया है 99 तक, है या नहीं? सब देख लिए वहां तक? सुनिए, यहां पर जब हम एंटी लॉग देखने के लिए चले तो ये
पॉइंट फाइव वन नंबर में आप चेक कीजिए कि कहीं पॉइंट फाइव वन आपको मिल रहा है। पॉइंट फाइव वन का टू देखिए कितना है, टू फाइव थ्री टू फाइव वन, मीन डिफरेंस टू देखिए, देखिए वन टू आ रहा है, दो तरह का आंसर टू है, टू है तो टू को ऐड कर दीजिए, थ्री फाइव टू थ्री। लॉग में डिसिमल से पहले का काम पहले करते हैं और एंटी लॉग में डिसिमल के बाद का, एकदम पूरे पश्चिम वाला बात है, एकदम उल्टा करता है, नाम से ही लग रहा है। अब सुनिए, डिसिमल से पहले क्या है, वन, जो भी संख्या है, मैं डिजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी संख्या है उसमें आप एक जोड़ दीजिए, वहाँ घटाते थे ना, यहाँ क्या करना है, जोड़ना है, एक में एक जोड़ेंगे कितना होगा, दो, जितना आया आपको एक जोड़ने के बाद उतना ही अंक के बाद डिसिमल प्लेस कर दीजिए, कहाँ डिसिमल पड़ेगा, थ्री टू के बाद, यानी इसका आंसर आएगा 32.53, ये कितना है 32.52, क्या ये वैल्यू अप्रॉक्स बराबर है या नहीं, लगभग बराबर है कि नहीं, सुन लीजिए अब ध्यान से, 90% केस में ये वाला वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर जाएगा, 10% केस में एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, हल्का फलका का अंतर आ जाता है, वो भी लास्ट पॉइंट पर थोड़ा बहुत का अंतर आएगा, लास्ट में थोड़ा एक आध गो अंक का, मतलब यदि तीन के बदला चार आ गया या चार के बदला तीन आ गया तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सही माना जाएगा, गलत नहीं है। जैसे इसका एंटीलॉग देखिए, अभी कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप सुनिए, फिर हम इस पर और डिस्कस करेंगे। जैसे हम इस वैल्यू को लेते हैं 0.4094, तो एंटीलॉग में हम क्या करेंगे, 40 का 9 देखेंगे, मतलब 40 नहीं 0.40 का 9 देखेंगे, एंटीलॉग में देखिए तो कितना है, 2564, मीन डिफरेंस 4 देखिए तो 14 है, क्या कितना 2 है, ठीक है, यहां पर कितना 2 है ना, ऐड कर दीजिए 6652, डिसिमल से पहले क्या है, 0, 0 में एक जोड़िए, एक अंक के बाद डिसिमल डाल दीजिए, 2.566 2.567 है, पेपर है तो हम ज्यादा नहीं याद आते हैं पेपर के लिए। तो हम इस वैल्यू को अप्रोक्स बराबर कह सकते हैं। अब देखिए, एक इत्तिफाक या जो भी समझ लीजिए आप, दोनों में से एक को ऐसा डाटा नहीं है जो एग्जैक्ट मैच किया है, लेकिन हम आपको बोले हैं कि 90% केस में मैच करता है, कुछ 10% केस में मैच नहीं करता है, और मैच नहीं करने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा उल्टा पुलटा हो जाएगा, हल्का फलका अंतर आता है, जैसे यहाँ 32.52 आया, यहाँ 32.53 आया, हम लोग अप्रोक्स बराबर कह सकते हैं, यहाँ पर 2.567 है, यहाँ पर 2.566 आया, तो हम लोग ऑलमोस्ट 6-7 इसको कह ही सकते हैं, तो इस प्रकार ये वैल्यू मैच कर जाएगा। अब देखिए, यदि लॉग का वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आया उसी का यदि एंटी लॉग देखेगा तो उस वैल्यू को सेटिस्फाई यदि कर रहा है तो आप सही हैं, नहीं कर रहा है तो आप गलत है। इस हिसाब से आप अपने मन से भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं और बना के चेक कर सकते हैं कि आप सही बनाए हैं या गलत। अब आगे की बात सुनिए, यहाँ पर डिसिमल से पहले देखो, 0.51 का जब हम 2 देखे तो हमको आया था 3251, मीन डिफरेंस 2 ऐड किए तो हमको आया 3253, 3253। एक्चुअल में डिसिमल से पहले यह एक जो है ना, यह हमें सिर्फ इस बात की जानकारी देता है कि जो नंबर आपको मिला है फाइनली उसमें किस अंक के बाद या कितना अंक के बाद डिसिमल पड़ेगा, और ये आता कहाँ से है बात ये समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए, तो ये आपको वन कहाँ से आया था, जब डिसिमल से पहले 2 डिजिट रहा होगा, 2 में 1 घटाए होंगे तब ना 1 आया होगा,
तो इस एक में एक जोड़ दिए तो पता चला दो अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ दो अंक के बाद दशमलव डाल दिए। यहाँ पर डिसिमल से पहले जीरो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जिस समय इसका लॉग वैल्यू देखा गया होगा उस समय डिसिमल से पहले एक डिजिट रहा होगा, तब ने एक में घटाए होंगे तो जीरो आया होगा। तो अब हम जब इसका लॉग एंटी लॉग देखकर उसी वैल्यू को ला रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि डिसिमल से पहले जीरो है तो उसमें एक जोड़ देते हैं, यानी एक अंक के बाद दशमलव रहा होगा। आई बात समझ में? इस दोनों को आप उतार लीजिए और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको आप बनाइए खुद से। लॉग टेबल आप सभी को रोज दिन लाना है अगला 3 दिन तक, जब तक कि पूरा पूरी तरह हर लेवल लॉग का समाप्त ना हो जाए। फिर इसको ढंग से रख देना है और अगला फिजिकल केमिस्ट्री, हंसी ही नहीं है, उस समय लॉग नहीं लाइएगा हम हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि बिना लॉग के आप वहाँ कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। पहले लॉग निकाल लीजिए, यहीं पर एंटी लॉग निकाल लीजिए, फिर दूसरा में लॉग निकालिए, फिर एंटी लॉग निकालिए, और तीसरा क्वेश्चन खुद से कीजिए। ध्यान रखना मिड पार्ट में जीरो होता है लेकिन मीन डिफरेंस में जीरो नहीं होता है, यदि जीरो है मीन डिफरेंस में तो उसको छोड़ देना है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि यदि लास्ट में जीरो होगा तो तुम 32 का जीरो नहीं देख पाओगे क्योंकि मीन डिफरेंस जीरो नहीं होता है, लेकिन बीच में जीरो यहाँ हो सकता है। आप देखिए ना, मिड टर्म में जीरो से स्टार्ट हुआ है, 0 से 9 तक, और मीन डिफरेंस में 1 से 9 तक स्टार्ट हुआ है, इसलिए क्योंकि लास्ट में यदि जीरो रहे तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीच में जीरो रहे तो उस जीरो का खूब मतलब है। और इसमें ये नहीं बोलना है कि बन गया सर नहीं बना, लॉग एंटी लॉग देखिए अपने समझ में आ जाएगा कि आपका बना कि नहीं, खुद को समझाना है कि आप बनाए हैं या नहीं। क्या बन गया क्या आपसे? लॉग टेबल नहीं है आपके पास? आपके पास लॉग टेबल नहीं है? जाइए ऑफिस से जाके मांग लीजिए। जिनके पास भी लॉग टेबल नहीं है ऑफिस से जाके मांग लीजिए, बिना लॉग टेबल के बैठिएगा क्लास में तो नहीं समझ पाइएगा। खुलवाइए, गेट खुलवाइए। क्या जी बना? वैल्यू मैच किया कि नहीं? बोले ना 90% केस में एग्जैक्ट मिल जाएगा। अब पता नहीं कैसा एग्जाम्पल दोगे पड़ गया कि दोनों में एक को भी मैच किया, ये अलग बात है, लेकिन 90% केस में एग्जैक्ट मैच कर जाता है। क्या बन गया?
यदि ये क्वेश्चन बन गया हो, इसको बनाइए। तो अच्छा एक एक मिनट इसको देख लीजिए आप, डिसिमल से पहले कितना डिजिट है, वन में वन घटाएंगे कितना बचेगा, जीरो। 52 का 3 देखेंगे कितना आया है, 7 1 7। अच्छा एक चीज़ देखिए, सुनिए इधर, आप लोग को एक कन्फ्यूजन हो रहा है लॉग टेबल देखने में। मिड टर्म में आप जो है 1 2 3 गिन लेते हैं क्या, मिड टर्म में 0 1 2 3 गिना कीजिए, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। हो सकता है कि आप इसी तरह की कुछ गलती इसमें किए हों। लॉग में 52 का 3 देखना है। हाँ जी 7185 है, देखिए एग्जैक्ट वही गलती किए हैं ना जो बोल रहे थे अभी हम। मिड टर्म में आप ऊपर देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 गिनिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 अंक गिन लेते हैं, पता चलता है एक अंक पहले ही पहुंचे हुए हैं। यह होगा 7185, मीन डिफरेंस 4 3 है, ऐड कर दीजिए 3, 5 3 8 8 1 7 0। अब इसी का एंटी लॉग देख लीजिए, 0.7188, डिसिमल के बाद 7 1 का 8 और फिर 8। अब इसको लॉग में मत देखने लगना, एंटी लॉग में चले जाओ, 7 1 का 8, 5 2 2 4 5 2 2 4, और मीन डिफरेंस 8 जो है वह 10 है, ऐड कर दीजिए 4 3 2 5। डिसिमल से पहले 0 है, एक जोड़िए तो एक अंक के बाद डिसिमल पड़ेगा। देखिए डाटा एग्जैक्ट मैच किया कि नहीं, इसी तरह से डाटा लगभग एग्जैक्ट मैच कर जाता है। यहाँ डिसिमल से पहले कितना अंक है, 3 अंक है, 3 में से एक घटाइए 2 बचेगा, 2 के बाद दशमलव डाल के छोड़िए। अब 22 का 2 देखिए, फिर 2 देखिए कहाँ, लॉग में। बाईस का 2 देखे कितना आया, 3464, 3464, और मीन डिफरेंस 2 देखिए 4, ऐड कर दीजिए 8643, ये वैल्यू आया लॉग इतना का। अब इसी का यदि आप एंटी लॉग देखिएगा 2.3468, तो हम एंटी लॉग में 3 4 का 6 देखेंगे, 8 देखेंगे। थ्री फोर का 6 2218 है क्या, यह है 2218, और मीन डिफरेंस 8 है 4, ऐड कर दीजिए 2222। डिसिमल से पहले यहाँ पर 2 है, 2 में एक जोड़िए 3, 3 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। देखिए डाटा मैच किया कि नहीं, इस तरह से डाटा मैच कर जाएगा। और सुनिए हमारी बात, हम जो यहाँ पर एंटी लॉग ये लिए, क्या इस जगह पर हमको मन होता थे हाँ 3 नहीं कर सकते थे। यदि हमको एक सिंपल क्वेश्चन देना हो, किसी कहीं से कॉपी करके नहीं देना हो, तो आप जरा बताइए कि यदि हम यहाँ पर 3 करें तो क्या परिवर्तन होगा इस आंसर में। 3 होगा तो 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 अंक के बाद डिसिमल हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा यदि यहाँ पर 10 हो तब, तो 10 में एक जोड़ेंगे 11, मतलब 11 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, बताइए तो कितना होगा वैल्यू। 11 के बाद दशमलव, एक छोड़िए 11, मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए 4 है यहाँ पर, कितना के बाद डिसिमल पड़ेगा, 5 अंक के बाद दीजिए, तो इसमें 5 अंक के बाद डिसिमल क्या करेंगे इसे बताइए। यहाँ पर 0 लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो वैल्यू कुछ फर्क पड़ेगा, उस 0 का कोई मतलब है जी,
एक से पहले जीरो लगा दीजिए, इसका क्या मतलब है? क्या लग रहा है? दो के बाद डिसिमल पड़ गया, एक के बाद जीरो दीजिएगा तब ना डिसिमल पड़ेगा। यहाँ इसका वैल्यू यदि यहाँ पर फोर होता तो पाँच अंक के बाद डिसिमल पड़ता, ये जीरो यहाँ नहीं, ये जीरो राइट साइड शिफ्ट होगा, और यहाँ पर जीरो करने के बाद डिसिमल डालेंगे तो अब डिसिमल से पहले फाइव डिजिट हुआ। आई बात समझ में? यही सब करना है। अभी तो जो एग्जाम्पल है उसको ढहने दीजिए, कितना था? तीन अंक के बाद ना, लॉग टू का वैल्यू निकाले तो सभी लोग, वो रटने वाला नहीं, अभी निकालिए, निकालना सीखिए। रट तो खैर आप लेंगे ही, आप बहुत अच्छा क्वालिटी का मेमोरी कार्ड है ये हमको पता है, खाली उसमें वायरस है घुसल क्या रे? ऐसा ही है ना? लॉग टू का वैल्यू निकालिए, देखिए कितना आता है। लॉग टू का वैल्यू ही नहीं, फिर उसका एंटी लॉग भी निकालिए। बेसिक क्लास दो दिन और चलेगा आज को छोड़ के, देखिए यदि लॉग टू है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग 2.000, हाँ या ना? डिसिमल से पहले कितना अंक है? एक, एक में एक घटाइए, जीरो, डिसिमल, 20 का जीरो देखिए, देखिए 3010 आता है, ये आ गया 3010। मीन डिफरेंस में जीरो होता नहीं है तो वहीं पर छोड़ दीजिए, जोड़ने उड़ने वाला कोई काम नहीं होगा, बन गया, डायरेक्ट इसका आंसर होगा। देखिए लॉग दो का वैल्यू 3010 है ना, पहला पेज पर लिखा हुआ है लॉग दो का मान, वो ऐसे ही निकाल के लिखा गया है। और सुनिए इसका यदि हम एंटी लॉग देखें 0.3010 का, तो एंटी लॉग में 30 का एक, फिर जीरो तो मीन डिफरेंस होता नहीं है। अब देखिए तो 30 का एक दो, सिर्फ दो है, 2000 है, यही है। डिसिमल से पहले जीरो है, एक जोड़ दीजिए, एक अंक के बाद डिसिमल डाल दीजिए, कितना आ गया? दो। इसी तरह से हम लोग इसका मान निकालते हैं। अब लॉग टेन का वैल्यू निकालो, तो लॉग टेन का वैल्यू निकालो, लॉग वन का वैल्यू निकालो। देखिए जितना आप रटे हैं ठीक है, रट लिए हैं, रटा हुआ होना चाहिए आपके स्पीड के लिए, लेकिन वो आया कैसे है यह भी आपको जरूर आना चाहिए। लिख दिया लॉग टेन का वैल्यू एक और लॉग एक का वैल्यू जीरो, बन गया। ऐसे ही बना दिया, हड्डी तोड़ देंगे ऐसे बनाया होगा तो। पूरा प्रोसेस में जाइए, लॉग टेन यदि दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग 10.00। डिसिमल से पहले दो डिजिट है, दो में से घटाएंगे बचेगा एक, दशमलव, 10 का जीरो देखिए, 0000 होगा, तो डायरेक्ट आंसर आ गया इसका कितना? वन। और अब आप देख लीजिए एंटी लॉग वन, एंटी लॉग वन, एंटी लॉग वन का मतलब 1.00, हाँ या ना? 0.00 का जीरो देखिए तो कुछ वैल्यू होगा,
1000, डिसिमल से पहले वन है, एक जोड़िए, दो, दो अंक के बाद डिसिमल डालिए, कितना आ गया? 10। क्या कोई दिक्कत है इसमें? आगे देखिए, लॉग दो का वैल्यू कितना आया था आपको? 0.3010 आया था ना अभी तुरंत। हम इसी को चाहें तो लिख सकते हैं लॉग 20/10, अरे 10 दूना 20, हम इसको लिख सकते हैं log 20 - log 10। बोलिए हाँ या ना? log 10 का वैल्यू भी तुरंत तुम निकाले हो, कितना? 1। तो log 10 की जगह 1 रख देते हैं, log 20 निकाल लेते हैं। log 20 का मतलब 20.00, डिसिमल से पहले दो अंक है, दो में से घटाएंगे बचेगा कितना? 1। 20 का 0 देखिए, 3010 आता है क्या? 20 का 0 देखिए, यह होगा 3010, घटाएंगे तो आएगा 3010। यानी लॉग दो का वैल्यू आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पर जाके इस तरह से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, जितना बात हम बता रहे हैं ना, इस सब का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में थ्योरी में आगे चल के जरूरत पड़ेगा। अभी बढ़िया से ट्रेंड हो जाइए, वहाँ पर यदि गड़बड़ाइएगा तो सच में हमको बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो बुरा आपको भी लगेगा तब। तो कैसे नहीं ना समझा? सब समझ जाओगे, समय के साथ ना समझ आता है। log 1 0 होगा, निकाल लीजिए ना आप उसको, निकाले नहीं क्या? log 1 0 होता है, कैसे होता है? log 1.00 लिखेंगे इसको, डिसिमल से पहले एक है, एक में से एक घटाइए बचेगा 0, 10 का 0 देखिए, 0000 होगा क्या? अच्छा, इसका एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग ऑफ 0.000, मतलब जीरो वैल्यू का एंटी लॉग देखा जा सकता है। अब देखिए कितना है, ये 0.00 का 0 देखिए, ये हमको लगता है 1000 होगा, और डिसिमल से पहले 0 है, एक जोड़िए, एक। समझ में आ गई बात? अब इसका फर्स्ट लेवल आप सीख चुके हैं, अब एक क्वेश्चन बनाइए जो आपको सेकंड लेवल पर लेके जाएगा। हम लिखेंगे नहीं लेवल, बस ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, 0.00024522 इसका वैल्यू देखिए। देखिए मिजाज हरियर हो जाएगा, सब लोग तुम्हारा निकल जाएगा अभी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कैसे बनेगा ये? अच्छा ये बताइए कि क्या इसका वैल्यू देखा जा सकता है या नहीं? देखिए, देखा तो जा सकता है, देखने नहीं आपको आ रहा है ये एक अलग बात, आज थोड़ी ना सीखेंगे इसको, टाइम ओवर हो रहा है, कल सीखेंगे। सुनिए आप लोग, एक एक होमवर्क ले लीजिए, आपको क्वेश्चन भी अपने मन से लेना है और आंसर भी आपको खुद ही बनाना है। सभी आदमी 5 क्वेश्चन अपने मन से लीजिएगा लॉग का, लॉग जैसे आप ले लीजिएगा log 2.392, log 3.94 समथिंग, 5 क्वेश्चन लीजिए, खुद से बनाइए, जो भी आंसर आता है उसका फिर एंटी लॉग देखिए, एंटी लॉग निकाल कर सेटिस्फाई कीजिए आपके आंसर से कि वो ऊपर वाले से मैच कर रहा है या नहीं। ऐसा करने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने की भी प्रवृत्ति आ जाएगी धीरे धीरे। आइए नेक्स्ट क्लास।